उसका घर बन रहा है अभी और बनने वाली कंडीशन में है। 3 मंजिल इकट्ठा बन रहा दिख रहा होगा आपको, रात का समय है। जैसा भी अब दिखाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा उसका घर तो मैं आपको पूरा उसका घर का दिखाऊंगी। तो मैं लेके चलती हूँ अंदर, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये देखिए घर क्या है, कोठी है शानदार वाली। ये देखिए बहुत सुंदर घर बन रहा है उसका, और अभी तो काम चल रहा है। देखिए सामान पड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं चूंकि कम आ पाती हूँ तो इस वजह से, ये देखिए पोच है, गाड़ियाँ रखने की जगह है, और मैं आपको इधर से लेकर चलती हूँ। अच्छा अच्छा, अभी इंटीरियर का काम चल रहा है। और ये देखिए बहुत सुंदर घर बन के, जब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब भी मैं आपको इसका एक वीडियो जरूर डालूंगी, जब ये मुझे बुलाएगी गृह प्रवेश में। तो ये देखिए इंटीरियर का काम अभी चालू है, चल रहा है घर का काम। तो ये ड्राइंग रूम है बाहर के, जैसे एकदम गेस्ट आते हैं, इसके बिजनेस है मेरी फ्रेंड का, तो बिजनेस की वजह से बिजनेस वाले लोग हैं ये। और एक लाइट एक बात उधर दिया है गेस्ट वगैरह आने के लिए। एक एंट्रेंस इधर से है, ये जो उधर है एक तरफ से है, और ये खुला खुला सा बीच में दिया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। एक बेडरूम ये भी है ना, हाँ, तो ये एक बेडरूम ये है, और उस तरफ अटैच लेटवाते हैं ना, नहीं, तो ओपन जगह है। अच्छा ओपन जगह, अच्छा हर जगह ओपन जगह दी है ना, तो ये ओपन जगह दी है वेंटिलेशन के लिए, बहुत ही अच्छा है वेंटिलेशन के लिए ओपन जगह है। एक बेडरूम ये है, अभी तो काम चल रहा है इंटीरियर का, जो दिख रहा होगा आपको फैला पड़ा हुआ है, सामने मिरर लगा हुआ है, काम बिल्कुल जोर तोड़ से शुरू, काफ़ी टाइम लग गया, पूरा वार्डरूम बना हुआ है। अच्छा एक बेडरूम ये सामने दे दिया है ना, और एक बेडरूम ये है इसमें लगे अटैच है। अच्छा काफ़ी खूबसूरत बना है, और बहुत ही उससे चल रहा है काम, ये पूरा वार्डरूम बना हुआ है, ये शीशा लगा हुआ है, बहुत सुंदर घर बनवाया है इन्हें। और मैं दिखाती हूँ इसका लाइट बाथ भी दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा बनवाया है लाइट बाथ भी। हाँ ये देखिए लाइट तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें, मुझे दिख रही है, काफ़ी सुंदर लाइट बाथ बनवाया है, ये मिरर लगा हुआ है बीच में, बाथ के लिए अलग दिया हुआ है, तो बहुत सुंदर घर बनवाया है। पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको देखते ही बनेगा ये घर, इतना खूबसूरत घर बनेगा। और एक बेडरूम ये संगीता, ये वेंटिलेशन है, हाँ ये भी वेंटिलेशन के लिए दिख रहा है, ऊपर आपको ओपन एरिया दिया हुआ है, नल वगैरह लगा दिए हैं पूरे में, वेंटिलेशन के लिए है। तो पूरा पीछे खुला 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 की खुला है, और ये बीच में शायद ये शीशा पीछा लगा हुआ है, यहाँ से पूरा देखा आपको दिख रहा होगा पूरा खुला खुला। ये किचन, ये किचन बनवाया है, किचन का काम मॉड्यूलर का हो चुका है लगभग, बहुत सुंदर बनवाया है, अच्छा लगा। अच्छा ये स्टोर रूम किचन का ना, हाँ ये अच्छा है, ये किचन का स्टोर रूम है, और ये स्टोर रूम है और ये किचन है इधर, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा बनवाया है। पूरा घर कवर हो गया, खुला की खुला है, खुला की खुला मतलब दो बेडरूम नीचे बस, दो हाँ स्टोर रूम में देखी मैंने, दोनों के लिए हो जाएगी, दोनों के लिए हो जाएगी। और यह फाउंटेन था पहले, अच्छा लेकिन उसने बंद करवा दिया, क्यों वास्तु सीढ़ी के नीचे ठीक नहीं है, हाँ तो उस वास्तु के हिसाब से ही बनवाना, तो ये फाउंटेन के लिए जगह छोड़ी थी लेकिन वास्तु के लिए ठीक नहीं था, हाँ कुछ डेकोरेशन वगैरह हो जाएगा। और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर के लिए, ऊपर लेके चलती हूँ मैं आपको, तो अभी काम चालू है, वो कंप्लीट हो जाएगा फिर इसका पूरा एक ब्लॉग बनाऊंगी मैं आपके लिए। ये देखिए सामने एकदम घुसके से मिरर लगा हुआ है सामने, और इस तरफ से शुरू करती हूँ, ये मंदिर बना हुआ है सामने, ये पूरा मंदिर है, अभी देखिए काम चल रहा है, ये मंदिर बन चुका है सामने, बहुत ही सुंदर मंदिर है, मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो काम चालू है, डेकोरेशन का है पूरा, ये ओपन किचन ऊपर है ना, हाँ नीचे तो रहने ऐसे, हाँ ये ऊपर किचन है, चल रहा है काम अभी तो। हाँ ये अच्छा करा, शादी वादी होती है तो बर्तन सिंक अच्छा, हाँ ये सही है, ये वॉश एरिया लगा दिया है, नल वगैरह लगा दिया है भाई, यहाँ शादी वादी में बर्तन वर्तन मांजने के लिए बहुत अच्छा, इसमें पानी, हाँ बहुत बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा ये ओपन बैठक किचन, और ये ओपन बैठक है ना, डाइनिंग टेबल वगैरह डल जाएगी,
अच्छा ये देखिए इसका ड्राइंग रूम है ओपन, सीढ़ियों के बगल में, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए ऊपर दिखा दी भाई झूमर ऊपर के, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, इंटीरियर का काम चालू है अभी तो। ये ऊपर छत वाला एरिया दिखा रही हूँ मैं आपको। ये बेडरूम होगा ना किसी का? नहीं, तो रूम सामने तो ये अच्छा वो ओपन एरिया है ना, एरिया है। और ये अंदर से ही सब दिया हुआ है, सीढ़ियाँ हैं इधर ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियों को ओपन कर दिया इधर से। शानदार इंटीरियर है, काफ़ी सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। ये ओपन ड्राइंग रूम है, सामने किचन है, उधर मंदिर, और सामने हाँ ये कोई भी इधर बैठेगा ड्राइंग रूम वगैरह, हाँ किचन मंदिर वंदिर के लिए, हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। और एक बेडरूम ये है ना, कोई नहीं जितना चल रही दिख रहा है, हाँ ये अभी इंटीरियर चल रहा है दिख रहा है, वो तो काम चल रहा है। अच्छा और सामने दिख रहा होगा, और ये इधर बालकनी है, ये बालकनी है इधर, ये सब मेन सड़क पर मकान है तो आपको दिख रहा होगा, ये बालकनी है, और ये जो मेन सड़क दिख रही है ये पूरी मेन सड़क है। ये अटैच लेट बात है ना, अच्छा ये देखिए ये ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ, वाओ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा लगा, ये ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ, ये वार्डरोब, ये वार्डरोब वगैरह है, सामने ड्रेसिंग एरिया है, और ये काफ़ी सुंदर, ये देखिए लेट बाथ भी कितना सुंदर है, ये लेट बाथ है, बहुत ही सुंदर है। अगर पूरा बनने के बाद तो पूरा महल लगेगा संगीता का, अगर है संगीता गृह प्रवेश में आएंगे मिठाई खाने तब तब आएंगे, बहुत टाइम लगता है अच्छा घर बनने में इंटीरियर के साथ साथ, बहुत हाँ कोरोना में बंद हो गया था ना, अच्छा एक बेडरूम ये होगा तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारा हो जाएगा, हाँ ये देखो इस पर शीशा लगेगा मुझे लग रहा है, इस पर शीशा, ये देखिए शीशा के लिए जगह छोड़ी हुई है, बालकनी को इधर कवर कर लिया है इसमें, और बहुत ही शानदार बेडरूम है, बिल्कुल फ्रंट पे है, मेन रोड है सामने, और उस तरफ को चले जाते हैं उधर मेरा घर है, यहाँ ये बालकनी में आ गया, ये बालकनी का दरवाज़ा है, ये पूरा चल रहा है काम इंटीरियर का, और बहुत ही शानदार तरीके से बहुत खूबसूरत घर बन रहा है इसका, और इधर भी इसका है अटैच लेट बाथ और ड्रेसिंग एरिया है। ये देखिए ये ड्रेसिंग एरिया है सामने, ये घर की मालकिन संगीता जी खड़ी हुई है और ये ड्रेसिंग एरिया है, बिजनेसमैन हैं भैया तो बहुत सुंदर घर बनवा रहे हैं। ये देखिए इधर पूरा मिरर वगैरह लगेगा, टाइम ले रहा है घर, लेकिन काफ़ी सुंदर घर बनेगा, हाँ काफ़ी सुंदर घर बनेगा, कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, बेडरूम भी काफ़ी सुंदर है, ये बेडरूम जो बन रहा है काफ़ी सुंदर बनेगा, और इधर टीवी का पैनल लगेगा सामने, बेड है ना ये, अच्छा खड़ा कर दिया, ओके अच्छा ये बेड खड़ा हुआ है, और ये देखिए टीवी पैनल है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये वाइट कलर बहुत सुंदर लगता है बन के, पूरा फिनिशिंग में अभी जब हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अब तीसरी मंजिल पर नहीं जाऊँगी, मेरे बस की नहीं है वो, जब वो पक्के में जब देखेगी जब मेरा प्रवेश होगा, अब मैं तीसरी मंजिल जाने के मूड में नहीं हूँ, घर खुला की खुला है पूरा, बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ बीच में तुम डाइनिंग टेबल भी लगा सकती हो, है ना, है ना, हाँ हाँ ये देखिए यहाँ डाइनिंग टेबल का एरिया है, बीच में यहाँ डाइनिंग टेबल है उधर, बहुत सुंदर, हाँ समझ गई मैं, ये झूमर की जगह दिखी ऊपर, किचन विचन बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है, वैसे काम से जो सामान लगाया ना मेरा, हाँ वैसे तो वो चीज़ इसका आया नहीं है, इसका जो ऑर्डर पर लगा हुआ, हाँ जो पूरा दीवार ऊपर से फ्रंट का होगा ना पीछे, बहुत ही सुंदर, मतलब आप जब कंप्लीट मकान हो जाएगा तब मैं आपको पूरा हिस्सा दिखाऊंगी, मुझे तो वैसे ही देख के समझ में आ रहा है कि बहुत ही सुंदर घर है, बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया है भैया ने, अब बस इसके लड़के की शादी होगी और ये घर पर भी दोनों, और ये था मेरी फ्रेंड का होम टूर, घर बन रहा है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको जरूर दिखाएंगे, तो घर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।